हमारे साथ हरजीत भुल्लर साहब भी जुड़ चुके हैं, अकाली दल के स्पोक्स पर्सन है। आप राघव चड्ढा को सुन रहे हैं। जब से ये 14 फरवरी का दिन डिसाइड हुआ है, राघव जी के मुंह से लव, प्रेम, मोहब्बत, केजरीवाल, पंजाब, प्यार, यही चीजें निकल रही हैं। और आप पर आरोप ये कि आप ना 3 में ना 13 में। देखिए ऐसा है कि हम 3 या 13 में तो आने वाला समय बताएगा राघव चड्ढा जी को। जो बात अभी चल रही थी, जो लोग अपना घर नहीं संभाल पा रहे, वो दूसरों के ऊपर कैसे उंगली कर सकते हैं आप बता दीजिए। जिनके अपने 20 ML में से 11 जो थे वो भाग गए, कभी वो ट्रांजिट होकर के कांग्रेस में जाते थे, कभी इनके पास वापस आते थे, अपना घर जब बचा नहीं पाए। 4 MP जीत के आए थे, उनमें से 3 भाग गए, रह गए 1 उसमें से। मैं बार बार एक चीज कहना चाहता हूं कि जो अभी आप ओपिनियन पोल बता रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दबाजी में है, क्योंकि हाँ। अभी कांग्रेस का तो ड्रामा शुरू होना है, अभी कांग्रेस का तो ड्रामा शुरू ही नहीं हुआ है, अभी इन्होंने सीटें दी नहीं है। जब सीट की बंदरबांट होगी उसके बाद में कहेगा कौन नहीं रहेगा, कैसे सारा ड्रामा होगा, वो अभी आना है सामने। सेम चीज जो है बीजेपी और उसके गठजोड़ की है कि वहां पे क्या ड्रामा शुरू होगा, उसके बाद में क्या आने वाला है, उसके बाद में ओपिनियन पोल आता है तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, आपके ओपिनियन पोल से आज राघव चड्ढा जी मेरे ख्याल से सीट से 2-2 फीट ऊपर उछल गए हैं, लेकिन यही ओपिनियन पोल पहले भी लोगों ने पिछली बार जब इलेक्शन थी तब भी दिया था कि 80 सीटें आएंगी, 100 सीटें आएंगी, सुपड़ा साफ होगा, और सिमट के रह गए 20 पे, और 20 में से रह गए 9 पे, तो 9 के बाद में भी तो आज भी कोई भरोसा नहीं है अभी क्या होगा। आज जिस तरीके से राघव चड्ढा जी को जान बचा करके जलंधर से भागना पड़ा है, सीटों के जो पैसों के लेन देन के चक्कर में, जैसे लोगों ने अलका जी भी फोन में कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हैं। राघव जी को आपके आपके सवालों का जवाब देना है, दोनों को मैं 20-20 सेकंड दे देती हूं। भुल्लर जी नहीं देखिए ये भाई ओपिनियन पोल आपको सीटें नहीं दे रहा है, मैं 20-20 सेकंड दे देती हूं दोनों को। देखिए ये इनकी, ये कांग्रेस की और अकाली दल की बौखलाहट मुझे बोलने दीजिए। 20-20 सेकंड अलका जी रुकिए, सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी है, इतनी बौखलाहट ओपिनियन पोल के सर्वे के मुताबिक, तो मैं 20 सेकंड पहले राघव जी को देती हूँ और उसके बाद अलका जी आपके पास। ठीक है, देखिए इतनी बौखलाहट है कांग्रेस और बीजेपी की कि कहीं कोई 4 लोग आपस में लड़ रहे थे, 10 लोग आपस में लड़ रहे थे तो वो दिखा रहे हैं कि मैं वहां पर था, मैं लड़ाई के बीचों बीच था, अरे मैं कहीं और, ये लड़ाई कहीं और। आप कुछ भी प्रोपेगेंडा चलाएंगे, आज सोशल मीडिया के जमाने पर आप कुछ भी प्रोपेगेंडा चलाएंगे, साफ तौर पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है और वो देखकर ये लोग। अच्छा एक और चीज बताइए, उसी पार्टी में टिकट की लड़ाई होती है जो पार्टी सरकार बना रही है, जो जीत रही है। आपने अभी तक पंजाब में कोई आदमी सुना जो कहता है कि मैं बीजेपी की टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ या मैं अकाली दल की टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ? राघव जी बात इसकी लड़ाई तो उसी पार्टी में होती है। अलका जी कुछ कुछ दिखा रही है भाई, अलका जी मोबाइल फोन में कुछ दिखा रही है, फिर रमनीत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। पहले अलका जी फोन में क्या दिखा रही है, एक सेकंड बोलो जी। उस पार्टी की अलका जी क्या है, ये इनके काउंटर है, इनके कार्यकर्ता है, जिन्होंने आरोप लगाया कि दोबारा मुंह दिखाने नहीं आए पंजाब में, पंजाब में टिकटों का सौदा हुआ, यही आरोप राघव चड्ढा, वीडियो वायरल हुआ है, तू बाहर से मुंह भागने पर मजबूर हुआ है क्योंकि टिकटों के सौदे हो रहे हैं, वायदा करके पैसा लेकर दिल्ली गए। आज संजय सिंह एक बार नहीं आए, दुर्गेश पाठक एक बार नहीं आए, और जरनैल सिंह को घर बिठा दिया, राघव चड्ढा बार्गेन कर दौड़ाया लोगों। जवाब ले लेते हैं, बड़ा आरोप आपने लगाया, आपने बड़ा आरोप लगाया, राघव जी से जवाब लें। राघव जी क्या कह रहा है ये वीडियो? रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बेचारे इतने बौखला गए हैं, इनको 10-20 लोगों का लड़ाई लड़ता हुआ कहीं कोई वीडियो निकल के आ गया तो कह रहे हैं कि राघव चड्ढा यहाँ पर था। अरे भाई वो रकम नहीं बनी और वो इंसान अभी तक पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को या अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को खरीद ले। आपके पार्टी के जो भ्रष्टाचार के कारनामे हैं वो आम आदमी पार्टी खोलेगी जब पंजाब में सरकार में आए। रेप से लेकर केबल टीवी तक, नशे से लेकर हर चीज में आप लोगों ने घोटाला किया। हम 117 सीटें पंजाब में 2022 में कौन बनाएगा सरकार, ये हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है तारीखों के ऐलान के बाद। ABP News, आपको रखे आगे।